के किसानों की, जवानों की बिगड़ती कानून की स्थिति, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन तैयार किया है। आपको पता है, मैं सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों को इस बात का भरोसा दिया था कि हम हर तरह का समूचा कर्जा किसानों का माफ़ करेंगे। 2018 में तो मैं वो किसान लेकर आया हूँ जिनकी ज़मीन कुड़क हो रही है, नोटिस हैं। और एक बार बीच में मैंने इसका आंदोलन किया था तो कुड़की रोक दी थी। तो कुड़की रोकने से काम नहीं चलने वाला। राहुल जी को हम ये कह रहे हैं, जब आप खुद कह गए थे तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होना चाहिए, उनकी ज़मीन भूमि कुड़क नहीं होनी चाहिए। और जवानों की नौकरी का मामला है, कोरोना के समय 28,000 बच्चों ने काम किया था, उनको एक ही झटके में उनको नौकरी से हटा दिया। और बेरोजगारी राजस्थान में देश की सर्वाधिक है, करीब 24.5% बेरोजगारी है, 38 लाख बेरोजगार हमारे राजस्थान में। राहुल जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात मैंने बताई दी, और इन्होंने 3,500 रुपये में ना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो भी ना तो रोजगार दे रहे, ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे, ना नौकरी दे रहे। तीसरा, आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक आग के हवाले किया है पुजारियों, करीबन 30,000 बीघा ज़मीन में से 18,000 बीघा ज़मीन पर भूमाफियाओं को कब्जा है। एक पुजारी की डेड बॉडी को लेकर मैं मुख्यमंत्री के घर पर बैठा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि पंजाब में गुरुद्वारे के जो सख्त कानून लाई है पंजाब की सरकार, उस तर्ज पर यहाँ पर कानून लाया जाएगा। वो कानून नहीं लाए, मंत्री कलेक्टर को गेट आउट कह रहा है, मंत्री और अधिकारियों में ठन्नी हुई है, मुख्यमंत्री ने हर MLA को अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया है, उन्होंने लूट मचा रखी है, भारी भ्रष्टाचार है। और कानून की स्थिति, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार है देश में, राजस्थान में दलितों पर सबसे ज़्यादा है और आदिवासियों से सबसे ज़्यादा अत्याचार है। और राहुल जी कहते हैं कुछ सेठों के पास देश की पूंजी है, मोदी जी उनको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ गहलोत साहब ने अडानी जी को प्रमोट किया, जिस अडानी का नाम गहलोत साहब खुद लेते हैं, बड़े काम देके बड़ा फायदा अडानी को गहलोत साहब ने पहुँचाया। तो राहुल जी की कथनी करनी में फ़र्क है, राजस्थान सरकार की कुछ ऐसे निकम्मेपन की शिकायतें जो हम राहुल जी को यहाँ से पैदल चलकर ज्ञापन देना चाहते हैं। जो किसान है, कितने किसान लेकर आए हो जिनकी जमीन, जो सैकड़ों किसान है उनके नोटिस मेरे पास, ठीक है, वो भी ज्ञापन देंगे उनके साथ में, ज्ञापन देंगे। अलवर में कब्रिस्तान की जमीन एक कोरोना के समय शराब बंद कर दी थी, कंटेनमेंट जोन। तो राहुल जी की कथनी करनी में फर्क है, राजस्थान सरकार की कुछ ऐसे निकम्मेपन की शिकायतें जो हम राहुल जी को यहाँ से पैदल चलकर ज्ञापन देना चाहते हैं। जो किसान है, कितने किसान लेकर आए हो जिनकी जमीन, जो सैकड़ों किसान है उनके नोटिस मेरे पास, ठीक है, वो भी ज्ञापन देंगे उनके साथ में, ज्ञापन देंगे। अलवर में कब्रिस्तान की जमीन एक कोरोना के समय शराब बंद कर दी थी, कंटेनमेंट जोन में। तो जो शराब बंद की थी, हजारों लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं, क्योंकि उन पर जब शराब बंद कर दी तो सरकार पूछ रही तुमने शराब क्यों बेची, शराब तुमने बंद की, शराब नहीं बिकी, तो उनके शराब वालों की आप काय की पेनल्टी लगा रहे हो। करीब 1,000 करोड़ रुपए उनसे वसूल कर रहे हैं, सरकार इस ढंग से लोगों को तंग कर रही है, उनको भी बेरोजगार करना चाहती है। अलवर में कब्रिस्तान की जमीन की गलत बिक्री की गई, उसमें SDM और तहसीलदार को निलंबित किया गया। अभी आंदोलन कर रहे थे मुस्लिम समाज के लोग, आज उनसे कांग्रेसी नेताओं ने समझौता किया है कि आप आंदोलन नहीं करें। तो उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार में कभी कब्रिस्तान पर हमला नहीं हुआ, कब्रिस्तानों पर कब्जे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर उनकी गलत बिक्री कर दी गई है। कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, डरा के वोट लेते हैं। वो कभी भी मुसलमानों के और देश की जनता के शुभचिंतक रहे नहीं रहे, वो समान नागरिक संहिता भी मुसलमानों को डरा रहे, वो सबके लिए बराबर हित का कानून है, देश के हित में, राष्ट्रीय एकता के लिए। तो जो मुसलमान है, जो दलित है, ये वोट बैंक कांग्रेस ने बना रखा है और उनको डरा धमका कर वोट लेते हैं। अभी आपके साथ वार्ता हुई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से, क्या बातचीत हुई है इस बार? उन्होंने CHA के प्रतिनिधिमंडल से बात की थी, शराब के ठेकेदारों से भी बात की थी, किसानों की भी बात कराई है। वो सरकार में जहाँ बात करना चाहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात नहीं हो पाई, वो बात करके हमको बताएंगे। पर जब तक ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं तो हटने वाला नहीं हूँ, मेरी अकेले की गारंटी। आप अलग यहीं पर रहेंगे, धरना देकर मैं जा रहा हूँ, राहुल जी उधर से आएंगे कल या परसों, तो जहाँ भी आएंगे वहाँ कोशिश करेंगे कि वो हमारा ज्ञापन ले लें। वो ज्ञापन नहीं लेते,
जेल में डालेंगे तो जेल में जाएंगे, लाठी मारेंगे तो लाठी खाएंगे। आप सवाल ये है कि आप राजगढ़ में रह करके करेंगे या अभी आगे? तो मैं जा रहा हूँ पैदल, कुछ कर रहे हो कहीं भी जाएंगे, न्याय यात्रा, न्याय दिया जाए।